नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपके सामने जो आपका सीयूटी एग्ज़ाम है या फिर राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए जेट का एग्ज़ाम है उनके अपडेट लेके आता रहता हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी सिलेबस को लेते हुए कि हमारा जो सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास का वो आएगा या नहीं आएगा सीयूटी के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हमारा जो सिलेबस है वो कब तक अपडेट होगा। तो फाइनली कल जो इसका सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको इसमें मेहनत करनी है, किस रणनीति के साथ आपको इस सिलेबस को अटेंड करना है, क्योंकि अब समस्या ये बनी हुई है आपके सामने कि इसमें कुछ चैप्टर आपने पढ़े नहीं हैं, तो उन चैप्टरों का आखिर समाधान क्या किया जाए, और जो चैप्टर एनसीईआरटी के नहीं हैं उन चैप्टरों को भी सीयूटी ने उठा के और आपके सिलेबस के अंदर डाल दिया। समस्या ये है कि अब जो जैसे कि अगर बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करें तो वो बच्चे तैयारी बाहर करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो अब तक तो सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है। अब इन्होंने सिलेबस रिलीज किया है तो सिलेबस अब बहुत छूट गया बच्चों का, कम से कम मैं बोलूँ 5 से 6 लेसन कम से कम ट्वेल्थ के छूटे हुए हैं। तो उन चैप्टरों के लिए क्या करेंगे और अब किस रणनीति के साथ हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप मेरे बताए रणनीति पढ़ोगे तो डेफिनेट आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सिलेबस को फॉलो करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सिलेबस को आखिर कैसे पढ़ा जाए। चलो तो देखो, अब मैं बात करता हूँ आपसे सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका वो क्या क्या टॉपिक हैं, पहले उन टॉपिकों के बारे में जानेंगे अपन। तो यहाँ देखेंगे एक बार, ये आपका जो सीयूटी की वेबसाइट है वहीं से लिया गया सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ दी गई हैं, सारे टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और उनकी डिटेल दी गई है कि क्या क्या आपको टॉपिक उसके अंदर पढ़ने हैं। चैप्टर्स की यदि बात की जाए तो सॉलिड स्टेट है पहला चैप्टर आपका ट्वेल्थ क्लास का है, और ये एनसीईआरटी से हट गया लेकिन इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। अब मुझे पता नहीं क्यों डाला इन्होंने, किस रणनीति के तहत डाला, क्या इन्होंने सोच के डाला, क्योंकि आपको पता है ट्वेल्थ आपकी क्लियर लगभग हो चुकी है, बच्चों के एग्जाम लग भी रही है, तो सिलेबस पढ़ने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। 2 महीने पहले सिलेबस डाल रहे हैं और उस सिलेबस को कवर करना है ना, मजाक समझ रखा है सीयूटी ने कि ठीक है पढ़ लेंगे अपन, जबकि मैं बोलूँ कि एक चैप्टर कम से कम महीने भर का टाइम लेता है कवर करेंगे यदि अच्छे से अपन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे तो। लेकिन अब इन्होंने अपडेट किया है तो चर्चा कर ही लेते हैं इसके बारे में अपन। सेकेंड जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो आपका ट्वेल्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन जो आपका है वो थर्ड चैप्टर है, ये ट्वेल्थ क्लास का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स जो आपका फोर्थ चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री जो पृष्ठीय रसायन है वो भी आपका इसी का ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है, 5 चैप्टर। नेक्स्ट जो आपका धातुक्रम है या फिर पी ब्लॉक है, सारे चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं, डी और एफ। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनोल ईथर, नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और बायोमोलिकुलर्स। इसके बाद इलेक्ट्रो, ये आपका जो आपका इसी के अंदर है ये चैप्टर, ठीक है, हार्मोन्स वाला। इसके बाद में पॉलीमर्स की बात करते हैं बहुलक, तो ये चैप्टर हैं जो आपको ट्वेल्थ क्लास में मिलते हैं कहीं ना कहीं पिछली बार के एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इस बार एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नहीं है। अब कौन कौन से चैप्टर नहीं है तो उनके ऊपर बात करते हैं अपन। देखो ये तो आपका जो सीयूटी ने सिलेबस डाला है वो वाले, क्लियर। अब कौन कौन से चैप्टर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस बार ट्वेल्थ के अंदर कौन कौन से चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो, अध्याय फर्स्ट जो ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट है वो आपका इसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी है 2024 की उसके अंदर नहीं है, अर्थात मैं बोलूँ कि आपका जो पहला चैप्टर है वो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, और एग्रीकल्चर वाले बच्चे अब यदि क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को भी पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो इस चैप्टर को जोड़ दिया गया इसके अंदर, अच्छी बात है। नेक्स्ट बात, हालांकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है लेकिन आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पाँचों चैप्टर आपका पृष्ठीय रसायन सरफेस जो केमिस्ट्री आपका वो चैप्टर इसके अंदर जोड़ दिया है, जबकि ये चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अपन एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नहीं है जो यहाँ पे डार्क किए हुए हैं ये वाले एरो के साथ, यहाँ पे एक ये वाला एरो और
एक ये वाला एरो। तो प्रेस्टेज साइन नहीं है, तत्वों का निष्कर्षण नहीं है और पी ब्लॉक भी नहीं है, क्लियर। तो ये चैप्टर्स हैं जो नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कौन सा नहीं है, तो देखो बहुलक नहीं है, दैनिक जीवन में साइन नहीं है। अगर मैं कुल बात करूं कितने चैप्टर नहीं है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर। आप सोचो 6 चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिए गए, उसके बाद भी सीयूटी ने कोई समाधान नहीं निकाला कि ये बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, या फिर ये क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करेंगे। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि इनके पास बचा हुआ जो चैप्टर है उनके अंदर से एक क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते हैं 50 क्वेश्चन, तो इसलिए इन्होंने कोई समाधान नहीं निकालते हुए डायरेक्ट इन्होंने और अपडेट कर दिया इसको, 12th का जो सिलेबस है पिछला यों की यों, क्लियर। अब आपको क्या करना चाहिए उसकी रणनीति मैं आपको बताता हूं। देखो ये सिलेबस इन्होंने दिया है, ठीक है, बच्चे जो बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं टारगेट बैच के अंदर, तो उन बच्चों ने मैक्सिमम मेरे हिसाब से इन चैप्टर को छोड़ के जो चैप्टर हैं वो सारे कवर कर लिए होंगे, क्लियर। अब बात करें कि सर इन चैप्टर को पढ़े या नहीं पढ़े, उसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो आपके सीयूटी जो एग्जाम है उसके अंदर आने वाले हैं 50 क्वेश्चन। कितने आने वाले हैं भाई, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। करने कितने होते हैं, 40। कितने करने होते हैं भाई, 40। आपको यहां 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। कितने छोड़ने हैं, 10 क्वेश्चन। बात करें अपन कि आपने 6 चैप्टर है वो नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, तो आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब बात करें कि सर हम क्या करें इस सिलेबस के बारे में कि ये चैप्टर 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, माना कि 2 या 3 चैप्टर होंगे जिनसे क्वेश्चन मूव करेंगे तो उनको छोड़ सकते हैं, बेसिकली यही बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो चैप्टर छूटे गए हैं, मतलब इस बार उठाए गए हैं, उनमें से यदि 2 चैप्टर भी आप कवर कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं बोलूं कहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो देखो इन्होंने जो सिलेबस अपडेट किया है वो हटे हुए सिलेबस को जोड़ा है, तो याद रखना टफ पेपर नहीं आएगा आपका, पहले क्लियर कर लो। इन टॉपिकों से जो क्वेश्चन आएगा वो ऑरली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, वो आराम से आप अटेंड कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा आपके लिए जो सरल इसके चैप्टर पढ़ेंगे वो देखो, यहां अगर बात की जाए तो कौन कौन से आपके सरल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो देखो एक तो अध्याय 15 बहुलक। बहुलक एक ऐसा चैप्टर है जो आराम से आपके समझ में आएगा, छोटा चैप्टर है, क्लियर, आराम से क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर, तो इसको कवर कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कौन सा, और देखो पी ब्लॉक तो करना ही मत, क्योंकि ये 11th में भी है और आपके 12th में भी है, तो इसको ना करना। इसके बाद अपन बात करें, या तो आप तत्वों का निष्कर्षण कर लो, ये भी अच्छा चैप्टर है, या फिर मैं बोलूंगा प्रेस्टियर साइन आप इसको कर सकते हो क्लियर। एक तो प्रेस्टियर साइन सरफेस केमिस्ट्री और एक आपका बहुलक, अगर आप ये 2 चैप्टर भी कवर कर लेते हो तो फिर मैं बोलूंगा बचे हुए 6 चैप्टर में से आपके बचे 4 चैप्टर, क्लियर। अब यदि 4 चैप्टरों का भी यदि छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनाएगा दैनिक जीवन में साइन, तो पक्का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यदि इतनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो कहीं ना कहीं से आप रीडिंग भी यदि कर लेते हो 12th क्लास का इस चैप्टर का भी, तो डेफिनेट आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, क्लियर। तो अगर ये दो या ढाई चैप्टर अगर क्लियर कर लेते हो, या इसका आप तीसरा अगर मैं ऐड करूँ दैनिक जीवन में साइन, अगर ये भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का बहुत अच्छा जाने वाला है, क्लियर। अब आप बोलें कि सर हमको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, बिल्कुल छोड़ने हैं, क्लियर। और मैं बोलूंगा अगर आपसे ये 5 भी कवर नहीं होते हैं मत करो, आपका सिलेक्शन एक अच्छी टॉप रैंक एक अच्छी कॉलेज डेफिनेट मिलेगी। टॉप 10 को छोड़ दो, टॉप 10 को छोड़ भी दोगे तो भी मैं बोलूंगा आपको अच्छी रैंक आराम से मिलेगी यदि आपने इन चैप्टरों को छोड़ भी दिया तो, क्लियर। सिलेक्शन लेने के लिए वो चैप्टर्स बहुत हैं, आराम से आप टॉप 100 के अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये आप पहला 5वां 6ठा और बहुलक और ये दैनिक जीवन में रसायन, अगर इसमें से आप 2 या 3 चैप्टर यदि कवर कर लेते हैं बचे हुए टाइम के अंदर, तो मैं बोलूंगा आराम से आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है,
क्लियर। तो ये रही आपकी स्ट्रेटेजी कि आपको मिलने वाले कितने क्वेश्चन है भाई, 50 मिलने हैं, करने कितने हैं आपको 40। मैं बोलूंगा कि 40 में से अगर आप 40 भी नहीं करते हो, मान लें क्या 40 भी नहीं करोगे, तो मैं बोलूंगा अगर 35 भी कर लेते हो, 35 करने के बाद कितने छोड़ दिए आपने, 15, कोई बात नहीं छोड़ दो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 35 करने वाले बच्चे के डेफिनेट अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी रैंक आएगी, ये पक्का मान लेना आप। क्लियर। तो पूरे की तरफ ना जाके जो आपके पास है उसकी तरफ रहोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर। ये रहा आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, तो इसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। आप यदि अधिक जानकारी लेनी है सिलेबस के बारे में तो वेबसाइट है, उस पर अपडेट है पूरा सिलेबस, आप आराम से डाउनलोड PDF कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे राजस्थान के हैं, और उन बच्चों के सामने समस्या ये है कि उनकी केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी भी अलग है 12th के अंदर, तो वो बच्चे क्रैश कोर्स को अटेंड करते हैं 2 महीने के लिए। तो उन बच्चों के लिए हमारे जो स्पेशल बैच हैं वो 29 मार्च से स्टार्ट होंगे। मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, मैं फिर एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस बार बैच अटेंड करना है ऑफलाइन। क्या करना है भाई? ऑफलाइन करना है। कारण उसका ये है कि इस बार आपको टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है, आप ऑनलाइन के झमेले में ना पड़े, ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए, तो डेफिनेट आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? जैसे हमने ऑनलाइन लिया, देखो हालांकि ऑनलाइन हमारा मिलेगा ऐप के अंदर, लेकिन मैं ये कहूँगा ऑनलाइन से ज़्यादा बेस्ट है ऑफलाइन। यहाँ आप सिस्टम के साथ पढ़ोगे और अच्छी मेहनत करोगे तो डेफिनेट आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की चीज़ है, बायोलॉजी की चीज़ है, वहाँ आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँ कि आपको ऑनलाइन के दम पे पूरी केमिस्ट्री पढ़ा पाऊँ, नहीं पढ़ा पाएंगे ये मान लो। हो सकता है हम रिटर्न में पढ़ा दें, लेकिन आपके समझ में कितनी प्रतिशत आएगी वो मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ साफ शब्दों में, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन ही बैच ज्वाइन कीजिए, उसी के अंदर ही आपको सिलेक्शन श्योर, मैं बोलूँगा 90% आपका जेट में नंबर आ जाएगा। क्लियर। तो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन ही बैच ज्वाइन करें, आपको डेफिनेट सिलेक्शन पाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा ऑफलाइन बैच। क्लियर। हमारे जो बैच हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, यहां ध्यान देंगे एक बार, जो हमारा क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होगा 29 मार्च से। कब से भाई? 28 मार्च को आपके एग्जाम खत्म है, 29 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स CUET और जेट दोनों के लिए स्टार्ट होगा। अब कब कब डेट पे, कौन कौन सी डेट पे स्टार्ट हो रहा है, तो देखो प्रथम बैच हमारा 29 मार्च से स्टार्ट होगा, और टाइमिंग की यदि बात की जाए तो टाइमिंग देखेंगे, देखो यहाँ पे दो बैचेज हैं, 29 तारीख को भी दो बैच हैं, एक तो 7:30 बजे, अर्थात जो बच्चे सुबह आ सकते हैं उनका 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे जो कोई लेट आता है, गाँव से अप डाउन करता है या फिर हॉस्टल में रहता है बच्चा, तो वो बच्चा 11 बजे आ सकता है आराम से। ये प्रथम बैच है, प्रथम डेट के अंदर दो बैचेज हैं, तो आराम से आप इनको देख ले टाइम को, 7:30 से, दूसरा होगा 11 बजे से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो दूसरा बैच है हमारा अगली डेट पे वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारा सेकंड जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ भी बात करें अपन बैच के बारे में, तो देखो यहाँ पे दो बैचेज हैं, पहला 8 बजे से स्टार्ट होगा, दूसरा 11 बजे से स्टार्ट होगा। क्लियर। वहाँ 7:30 और 11 था, यहाँ पे आधे घंटे का टाइम है, आराम से आप थोड़ा लेट भी आ सकते हैं, और 11 बजे सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं बोलूँ तो दो बैचेज वो, और चौथे नंबर का बैच ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अगर कोई बच्चा फिर भी माना कि लेट आता है तो उस बच्चे के लिए क्या प्रावधान है, तो यहाँ पे हमने एक बैच और रखा है हमारी टीम के द्वारा कि भाई जो बच्चे लेट आते हैं, ठीक है थोड़ा पजल्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए देते वक्त, 12वीं एग्ज़ाम आपने काफ़ी लंबा समय, 1 महीना लगभग एग्ज़ाम लगी है, तो क्या करें, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए हमने आपका जो 4 अप्रैल है वहाँ थर्ड बैच रखा है, और उस थर्ड बैच में भी आपका दो बैचेज हैं जिसके अंदर आप अटेंड कर सकते हैं। दोनों ही बैच 2 बजे से प्रारंभ होंगे, आप आराम से आ सकते हो, बैच अटेंड कर सकते हो। तो ये हमारी जो बैच है हमारे क्रैश कोर्स के, उनकी प्लानिंग रही। अब यदि आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे संस्था के दिए गए नंबर
8112231057 पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तब तक बने रहिए यूएस तोमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन दौसा के यूट्यूब चैनल के साथ। कोई अपडेट होगा मैं जल्द ही लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।